जिनके नेतृत्व में आज ये उत्तर प्रदेश उत्तुंग शिखर पर पहुंच रहा है, जिन्होंने नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता प्रस्तुत की है। सन 47 से आज तक इतना विकास नहीं हुआ जितना उनके नेतृत्व में हुआ है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री लोकेश प्रजापति जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, प्रदेश मंत्री श्री यशपाल गोला जी, श्री ब्रज बहादुर जी, संजय भाई पटेल जी और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित आज के इस पहले सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विजयादशमी का आज दूसरा दिन है और पर्व और त्योहार को सकुशल संपन्न करने के बाद आज इस कार्यक्रम में समय से उपस्थित होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष से इसी बारे में चर्चा कर रहा था, उस सब के बावजूद आपकी यहां पर उपस्थिति और आपका उत्साह हम सबके मन में भी एक नया उत्साह, एक नया उमंग पैदा कर लेता है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा पर विश्वास करती है और इसका जो मूल मंत्र है, जो भारतीय संस्कृति का मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतो निरामया, सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। सबका साथ और सबका विकास, जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे, सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, वंचित दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं आप सबके सामने हैं।
उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे, नारा जो 14 में नारा बना था, सबका साथ सबका विकास का। उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। और एक स्थिति तो ऐसी भी आई, आज से 2 महीने पहले की घटना है, प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, उनको लेट हुआ। मैंने कहा आप कहां चले गए थे? उन्होंने कहा मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गया था। मैंने कहा क्या था? और भाइयों बहनों, उन्होंने जो मुझे वृतांत बताया, उन्होंने कहा कि मैं आज एक समुदाय के पास गया था, उस समुदाय के लगभग 200 परिवार एक ही मोहल्ले में, एक मोहल्ले में निवास करते हैं। तो 3 साल पहले जब मैं गया था, 4 साल पहले गया था, बड़ी गरीबी थी, बदहाली थी, और इस बार गया तो उन लोगों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। तो मैंने परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को प्रणाम करते हुए पूछा, माता जी कह क्या हालचाल है? तो माता जी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा क्या ऐसा परिवर्तन आपको लगा? उसने कहा देखिए, पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिकता नहीं था, पूरा पैसा नहीं मिलता था, और अब सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, मिट्टी फ्री कर दी, हमें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया। जो बर्तन पहले हम एक दिन में हाथ के चाक से 60-70 तक बना पाते थे, अब वही बर्तन हम लोग इलेक्ट्रिक चाक से या सोलर चाक से 300-400 बना रहे हैं, मिट्टी फ्री में है। इस सभी परिवार के लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं, और आज इसकी डिमांड भी है, नई तकनीक भी मिल रही है, हमारा परिवार खुशहाल है। वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के जुड़ा हुआ परिवार था, और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ के अंदर की घटना है उसको मुझे बताया। तो वह भी स्वयं बहुत, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि शासन की एक योजना फलीभूत होकर के समाज के स्वावलंबन का आधार बन रही है। भाइयों बहनों।